बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। अगर ख्वाहिशें कुछ अलग करने की हैं तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। समय और उम्र बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं दोस्त, इसलिए जितने जल्दी हो सको कामयाब हो जाओ, नहीं तो परिवार वालों को भी बोझ लगने लगोगे। घर वालों ने तुम्हें नाम दिया है, अब पहचान तुम्हें अपने दम पर बनानी है। और ज़िंदगी में कभी ये मत सोचो कि मैं गरीब हूँ या मेरा सारा जीवन गरीबी में ही निकल जाएगा। नहीं, आप इतिहास पलट कर देख लो, ज़्यादातर महान लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हर गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले लोग महान नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, खुद के ही इमोशंस में उलझ कर रह जाते हैं। जिस दिन आप अपने बहाने इमोशंस को साइड में रखकर मैं सारा ध्यान एक लक्ष्य पर लगा दोगे ना, उस दिन से आप वह काम करने लगोगे जो एक सफल और महान लोग करते हैं। अगर ऊपर उठना है तो गिरने का भय हटाना होगा। अगर उड़ना चाहते हो बाज की तरह तो बाज की तरह पहले संघर्ष करना होगा। सपने तो देख लेते हैं कि कुछ बड़ा करना है, गरीबी को मिटाना है, अपने और अपने परिवार के लिए एक मिसाल बनना है, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए उसकी कीमत चुकाने की बारी आती है ना, तो वहीं से बहानेबाजी शुरू हो जाते हैं। तैयारी करने से पहले तैयारी करने के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में सोचने लग जाते हैं, और बड़े बड़े सपने कब छोटे में बदल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप हार जाओगे, लोग बुराई करेंगे, लोग ताने देंगे, यही ना। तो एक कड़वी बात भी सुन लो, चाहे आप कितना भी सफल हो जाओ, लेकिन जिसको बुराई करनी है वह बुराई करेगा ही। जस्ट इग्नोर इट एंड गो अहेड। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही चमकता है। आज की मेहनत कल तुझे पहचान देगी, हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है वह तुझे कल जरूर इनाम देगी। देखो या तो सपना देखो ही मत, लेकिन अगर आपने सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए इस हद तक जिद्दी बन जाओ कि कोई देखते ही ये कहे कि यार तू पागल है क्या। बिना त्याग के ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता दोस्त, इसलिए सुबह जल्दी उठो और अपने सपनों पर लग जाओ। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जब सारी दुनिया कहने लगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तब तुम चुपके से अपने दिल से कहना कि अब समय आ गया है संघर्ष करने का। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरी से हारते हैं। कमियां भले ही हो हजार तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। बड़ी से बड़ी रुकावटों को समझदारी से पार करो, अपने अंदर की कमजोरियों को पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो।